नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिंदुसार की। जी हाँ, चंद्रगुप्त का बेटा और अशोक का पिताश्री बिंदुसार की मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही महान रूलर हुआ। आपने अभी तक अगर मेरे चंद्रगुप्त का वीडियो नहीं देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मैंने वीडियो बनाई थी और चाणक्य की, तो आप उसको जरूर देख लें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, और चलिए आज इस वीडियो में हम बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। ये भी महान शासक थे काफी, लेकिन ये इतने महान नहीं थे जितना कि हमारा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदुसार, इसकी माता का नाम दुर्धरा था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सेल्यूकस निकोटर ने मेगास्थनीस को भेजा था। इसे मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी कि मेगास्थनीस के बदले में उसको रिप्लेस किया गया था, तो इसलिए इसे मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना गया था। आपको बता दूं कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। जो सीरिया के नरेश थे उनसे अंजीर मांगा गया था, और वहां के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ना लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया के दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। बिंदुसार ने दरबार में मिस्र के राजा फिडोल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुषीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपना छोटा पुत्र अशोक, जो इस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। कल्हण की पुस्तक रजत रंगनी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर को स्थापना किया था, यानी कि जिसने श्रीनगर की स्थापना की है वो अशोक था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं, यानी कि बिंदुसार का टाइटल दिया गया यहाँ पे अमित्रघात। और बिंदुसार के पुत्र हुए जिन्होंने इतिहास रच डाला, वो थे हमारे द ग्रेट अशोका, अशोका द ग्रेट एम्परर जिसको हम कहते हैं। तो यार, बिंदुसार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बिंदुसार के बारे में इतना ही है, क्योंकि ये कोई महान शासक नहीं हुए उतने, लेकिन काफी ये भी योग्य शासक थे, अयोग्य नहीं कह सकते हो इसको। इन्होंने भी काफी डेवलपमेंट में मदद किया बिहार के। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आगे जो आने वाली वीडियो, उसमें हम बात करेंगे अशोक की। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।